रमेश की अम्मा हमें माफ कर दो रमेश की अम्मा, हम तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाए। जवानी के सारे सुख हमने भोगे, लेकिन तुम्हें राजेश खन्ना की तरह कारों में नहीं घुमा पाए। लो, ये फिर शुरू हो गए। इनका अपना एक अलग ही राग चलता रहता है, कार अम्मा कार अम्मा, अम्मा को कार से नहीं घुमा पाए। बाबूजी, आइए बैठिए। ये लीजिए, चाय पीजिए। और बाबूजी काहे इतना दुखी हो रहे हैं? अब ठीक है, अम्मा तो नहीं रही, रही बात कार की तो वो तो आपके सुपुत्र कभी ना कभी ला ही देंगे। अरे काहे का सुपुत्र, उस नालायक से ना हमको पहले कभी उम्मीद थी ना अब है। और रही बात हमारी इच्छाओं की, तो वो भी एक दिन हमारे साथ ऊपर चली जाएगी। जैसे बिना चार पहियों की अभी तक जिंदगी कट रही थी, आगे भी कट जाएगी। चार पहिये? अब बाबूजी ये चार पहियों वाली कौन सी कहावत होती है, जिंदगी तो दो पहियों से चलती है। अरे तुम्हारी सास का वजन जरा ज्यादा था ना, तो तीन पहिये तो उसी के हो गए। अरे वो सब छोड़ो, बच्चे नहीं आए अभी तक? हाँ वो बच्चे, बच्चा पार्टी। ये देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हम कल से स्कूल नहीं जाने वाले। क्यों? स्कूल में छुट्टी है क्या, या स्कूल से तुम लोग का नाम काट दिया? हमको रिक्शा से जाना पड़ता है, और आजकल कभी कभी बारिश भी हो जाती है, सारे कपड़े और बाल खराब हो जाते हैं, और ऊपर से गर्मी, हमारी पूरी स्किन खराब हो जाती है। ये देखिए जरा महारानी को, अभी से इतनी सी है और इनको अपनी स्किन की पड़ी हुई है, स्किन के खातिर स्कूल नहीं जाएंगी ये। अरे बाबूजी तीन नदी पार करके अपने स्कूल जाया करते थे। हम कुछ नहीं जानते, नदी पार करें या नाला, आप लोग हमारी और इस हवेली की बहुत इज्जत डुबा चुके हैं। और नहीं तो क्या, हम लटक लटक कर रिक्शा से स्कूल जाते हैं, और बाकी हमारे स्कूल के बच्चे अपनी अपनी कारों से स्कूल जाते हैं। अब या तो कार लाइए या फिर हम स्कूल जाना बंद कर देते हैं, फैसला आपका है। तो ठीक है फिर, स्कूल ही क्यों बंद, खाना पीना भी सब बंद। ये सिर्फ हमारी नहीं, हवेली के सारे बच्चों की मांग है। अगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो हम सब कोई भी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे। इनाम, इनाम सुनिए तो, इनाम। भाभी आपने सुना, ये बच्चे 5-10 रुपए की चीज नहीं मांग रहे, 5-10 लाख की कार मांग रहे। अरे सकीना, यहाँ पे भी यही तमाशा चल रहा है। अरे आंटी, आप ये तो सोचिए कि जब हम बच्चे काश स्कूल जाएंगे तो मोहल्ले वाले ये नहीं पूछेंगे कि ये बच्चे कौन हैं, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि ये बच्चे इस हवेली के, तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। हाँ और नहीं तो क्या, हम ये सब डिमांड अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि मोहल्ले में आप सबका भौकाल दिखाने के लिए कर रहे हैं। बच्चा पार्टी। बेटा जी, कभी पढ़ाई लिखाई कर कर मोहल्ले में हमारा भोकाल बना दिया कीजिए। बच्चों की बात में दम तो है, हमको तब दिखाई भी देने लगा है कि कार में स्कूल में जाते बच्चे कितने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। प्लीज मम्मी, अब तो दादाजी भी बोल रहे हैं। हाँ मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज आंटी, प्लीज मम्मी जा, प्लीज प्लीज। बस बस, अब ये आंदोलन बंद करो और चलो हाथ मुंह धो और खाना खाओ। हमें तो लगता है भाभी, ये लोग स्कूल में जाके पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बल्कि इनका ध्यान यही लगा रहता कि कौन क्या कर रहा है। अरे 5-10 लाख रुपए खर्च करने होंगे तो हम अपने लिए 9 लाख हार नहीं बनवा लेंगे। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी, इस फिजूल खर्ची से अच्छा है हम सऊदी घूमा। और क्या, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है।
नाम तो बहुत चहक रहे हैं। वैसे मलियाबाद में हमारी अम्मी जान के खालू के दशहरी आम के बाग हुआ करते थे। बचपन में हम आमों में खेल के बड़े हुए। अब आप क्या जाने आम की कशिश। मिर्जा, तुम आमों में खेले हो, हमने आमों में गोते लगाए। गांव में हमारी पुरानी हवेली है, उसमें आम भरे पड़े रहते थे। छत पर आम पापड़ सूखते थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। मजाक मजाक आप अच्छा कर लेते हैं मियां। अच्छा भैया, ये आम कैसे दिए? अरे नहीं दिए भाई आम। तुम लोगों को तो इतने बड़े बड़े बगीचे हैं मलिहाबाद में, हैं? आम में तो खेलते हो, तो वही आम खा लो ना मन में। अरे भैया, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा एक एक किलो तौल दो। माल कब तक आ जाएगा? शाम तक। भैया ये सड़ा हुआ आम क्यों चढ़ा रहे हो? मेरा माल टाइम से पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। आदमी भेज रहा हूं मैं, समझे? मम्मीया, ये तो बहुत खतरनाक आदमी लगता है। मिर्जा, इनका ऐसा कौन सा माल आ रहा है जिसके लिए इनको खून की नदियां बहानी पड़ रही हैं? नहीं, कुछ आम की पेटी आ रही है ना, इसलिए। तो उसके लिए इतना खून खराबा। झोला खोलो। सुनो जी, आते रहना। चलो मिर्जा। हाँ सेठ जी, अरे आपका काम हो जाएगा सेठ जी। अरे आप ही के खादी में सेठ जी। एक मिनट सेठ जी, अभी बात करता हूँ। फटाफट हीरे रखवाओ। हाँ सेठ जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सुनो, चस्का सेठ तो आदमी भेज रहा है, माल रेडी करके गाड़ी की डिग्गी में डाल दे। और सुनो, कोडवर्ड मत भूलना, आप मीठे हैं और आप लंगड़े हैं। बिट्टू भैया, आदाब। पप्पू पांडे जी नमस्कार। और बेटा कांटा, अम्मी ठीक हैं? बहुत बढ़िया बिट्टू भैया। और बिट्टू, पप्पू क्या चल रहा? बिट्टू पप्पू, अबे आज जवाने बाद कोई सीधे बिट्टू कहीं से ना, भैया ना दद्दू। जाज बुस के लौंडे हो का बे? का नाम है तुम्हारे बाप का? राम खिलावन। अबे राम खिलावन के लौंडे, तुम्हारे बाप हमको पप्पू भैया कहते हैं और इनको बिट्टू चच्चू, समझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों के सीधे नाम ले रहे हो? ऐसा कौन सा काम कर दिए का कहीं किला फतेह किए हो जो तुम्हारी इज्जत इज्जत करते फिरे? अरे नेता होता है जिसके पीछे 10-5 गाड़ियों का काफिला होता है, बंदूकधारी होते हैं, अरे लोगों के काम करवाते हैं। तुम जैसे लोग नहीं जो बस कुछ खाली बैठ के चप्पल चटकाते रहें। अरे कुछ काम वाम है कि बस ऐसे ही? तेरी राम खिलावन भैया, राम खिलावन का लड़का एकदम पागल है। हाँ गवाह ने आज इनका चीट डालते, हम समझा देंगे। चलो भाई, तुम लोगों का भगाए के लिए इनका कोई का बुलाना पड़ेगा। निकलो, चलो भाई, बढ़ो सब लोग, बढ़ो। चलो चल भाई, चल निकल निकल। चच्चू, वैसे लौंडा जाने अनजाने में बात सही कह गया। जब तक हम लोगों के पास लोगों का हुजूम और गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, तब तक हम लोग मोहल्ले के ही नेता माने जाएंगे। जबकि हमको और आपको बनना है जिले का नेता। अबे ऐसा है, आदमी तो पूर्वांचल से हम 150 बुला दी, लेकिन उनका खिलैबे का बे? जो साल पहले ये रोड बनी रहा, तब ठेकेदार 60% कमीशन दीस रहे, वही चल रहा अभी तक। अब कोई नया काम आवे तो कुछ खेल बनावा जाए। ऐसा है, जब तक कोई काम नहीं आ रहा तब तक जो तेरा है
वो मेरा है, मतलब मांग मांग कार चलाई जाई, का होई। ये लौकी कैसी थी? 20 रुपए किलो। शांति भाभी, आज मैं मिया के लिए भिंडी लेनी है, आप हमारी छाटने में थोड़ी सी मदद कीजिए ना। अरे भिंडी तो हम भी लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मिश्रा जी को भिंडी की शक्ल से नफरत है। ऐसा क्या कर दिया भिंडी ने मिश्रा भाईजान के साथ? अरे हमें क्या पता। बोलना पड़ता है ऐसे। सकीना, भाभी क्या आप भी वही देख रही हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ सकीना। अरे इसने तो कार भी ले ली, और एक हमें देखो अभी भी पैदल पैदल झोला पकड़े बस घूम रहे हैं। बेगम सब खैरियत तो है? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपको दुकान से हमें घर पे बुलाना पड़ा? अरे मिर्जा भाईजान, आज आपकी सकीना बस जरा सा बची है। मियां, हमें तो लगा था हम अपनी रुखसती से पहले आपका दीदार कर भी पाएंगे कि नहीं। बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? ना ना, ना हम मरे आपके दुश्मन। मियां आप जानते हैं आज हम बाजार गए थे आपकी पसंद की सब्जी लेने, और वहाँ इतनी तेज धूप थी, हमारा तो सर दुख रहा था, हमारा गला सूख गया गर्मी के मारे, और हमें तो चक्कर भी आने लग गए। लो फिर और सुन लो। अरे सकीना पहले मुद्दे पे तो आओ, ये तो बताओ मिर्जा भाईजान को आज हमारे साथ क्या हुआ? हाँ मियाँ आप जानते हैं आज हमारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ मियाँ? आज ना हम बाजार गए और वहाँ पर हमारी एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी के साथ टक्कर होते होते बची। क्या? या अल्लाह, आप ठीक है ना? बेगम देखिए, आज से आप बाजार नहीं जाएंगे। नहीं मियाँ, बाजार तो हम ही जाएंगे, आप अपनी दुकान का ख्याल कीजिए। बेगम, हम आपके गुलाब से चेहरे को इस तेज धूप में मुरझाता हुआ नहीं देख सकते। ना ना ना। सच्ची? अच्छी? तो फिर एक काम कीजिए मियाँ, एक नीले रंग की चमचमाती हुई कार ले लीजिए, उसमें बैठकर हम बाजार जाया करेंगे। क्या ले ले? कार। कार? अरे बेगम आप भी खा मखा कार जैसी बेकार सी बातों में अपना वक्त जाया कर रही हैं। हम आपके लिए नीले रंग की चमचमाती छतरी ले आएंगे। छतरी? हाँ, धूप से बच जाएंगे आप। वाह वाह वाह, आपको तो हवेली में होने वाली हर बात गलत ही लगती है। बात बताइए, आपने आज तक कोई ऐसा एक भी काम किया है जिससे ये लगता हो कि आप नवाब खानदान से हैं? हाँ, ये नहीं अम्मी जान, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द करने वाले। खामोश। अरे नवाब लोग हाथी घोड़े पगधी पर घूमने जाया करते थे मियाँ, और एक आप हैं कि हमारी सकीना बेगम ने एक छोटी सी चीज की क्या मांग कर दी? आपको वो बेकार की बात लगती है? हौलेलाकुवत। अम्मी जान देखिए, ऐसे कैसे लेके आ जाएं? हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए, कम से कम 1-2 साल। अच्छा अच्छा ठीक है, हम करते हैं, कार का इंतजाम करते हैं। और भाई मिर्जा क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ तो पूरी पंचायत लगी हुई है, लगता है मामला गंभीर है। मियाँ फड़फड़ा लीजिए जितना फड़फड़ाना है, हमारी बेगम ने तो हमसे कार की मांग की है। अब शांति भाभी का नंबर है। अरे मिश्रा जी, जी। कहाँ चले? इधर। सुनो, मिल गई तुमको कत्था चूना रगड़ने से फुर्सत? और सुनो, हमको बाबूजी को और बच्चों को भी नई कार चाहिए, वो भी लाल रंग की।
अरे शांति, बच्चों का तो ठीक है लेकिन तुम और बाबूजी कब से कार वाले खिलौने से खेलने लगे हैं? बस हमको तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यहाँ आके फालतू की बात करोगे। अरे बहू खिलौने वाली कार की बात नहीं कर रही है, असली कार की बात कर रही है, बड़ी वाली। अरे बाबूजी कार लेना कोई मजाक नहीं है कि जेब में हाथ डाला पैसे निकाले और कार ले ली। हम नहीं ले रहे हैं कोई कारवार। ठीक है रमेश, हम ऊपर जाके जब तुम्हारी अम्मा से मिलेंगे तो उसको बताएंगे कि हमारे रमेश ने तुम्हारी अंतिम इच्छा मानने से मना कर दिया, वो भी हमारे मुंह पे, और हम देखते ही रह गए। ए बाबूजी इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? हमारा ये मतलब नहीं था। अब हमारा मतलब है कि अभी खर्चे बहुत हैं, कार बाद में ले लेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम हर बात में राजी हैं। बेटा जफर। जी 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 बाबूजी। बेटा कल जब तुम दुकान जाओगे ना तो वहां से रेलवे स्टेशन भी चले जाना, वहां से हमारे लिए चारों धाम की टिकट ले लेना। हम उस घर में नहीं रह सकते जहां हमारी पत्नी की अंतिम इच्छा मानने से मना कर दिया हो, वो भी हमारे मुंह पे। बाबूजी, बाबूजी। लाल बिला कुबर। तुम ज्यादा खीसे ना निपुरो मिर्जा, इतना इमोशनल अत्याचार तो हिंदी फिल्मों में नहीं करते जितना ये कर गए। वही तो मियां, वही तो। तब देखिए हमारी नवाबी खतरे में आ गई और आपकी अम्मा की आखिरी इच्छा आपके सामने आ गई। ठीक है कुछ करते हैं। लेकिन मियां करना क्या है? अरे मिर्जा अब तो ऊपर वाला मालिक है, वही करेगा जो करेगा। अबे जाए से पहले दे दे, काहे परेशान हो, बैठो जाके अंदर। जाओ 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 मिल जाएगा। अबे मिश्रा मिर्जा कहाँ बिल्कुल चिहलड़ ऐसी शकल बनाए घूम रहे हो? हवेली में तो सब राजी खुशी है। सब राजी खुशी है मियाँ। देखिए बात दरअसल ये है कि हमारी बेगम ने और शांति भाभी ने हम दोनों से कार की मांग की है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे हम कार? अरे इसमें कौन सी परेशानी की बात है, बैंक से लोन ले लो, हम सब सेटिंग करवा देंगे। अरे पप्पू भैया हम लोग सीधे वहीं से आ रहे हैं, मैनेजर साहब ने कहा है क्रेडिट स्कोर के साथ साथ हमारी शक्लें भी नहीं पसंद है। शक्ल का क्या कर सकते हैं हम लोग। अबे देखो तुम लोग हमारे फुफेरे भाई की तरह हो, तुम लोगों का कार हम दिलाएंगे। अरे छोड़ो वहाँ कार दिलाओगे, तुम हम लोगों को कार दिलाएंगे। अरे बिट्टू और पप्पू फिर शुरू कर दियो अपनी पंचायत है। अबे तेरी देखा किसी दिन लिथार लिथार के मारना है। हो गया काम, अभी मिलाते हैं नंबर। हेलो। हेलो जनाब, जी हम बोल रहे हैं जफर अली मिर्जा, आप मार्कशीट से लोन पास करवा रहे हैं? हाँ बताइए। देखिए हमको और हमारे दोस्त को मार्कशीट से लोन निकलवाना है, निकल जाएगा क्या? जी बिल्कुल निकल जाएगा। कितने परसेंटेज हैं आपके और आपके दोस्त के? जनाब हमारे तो 57% थे, दोस्त से पूछ के बताते हैं। कितने थे? 51% बताओ। क्यों पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लगता था क्या? पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े, बस लोन मिल जाए, यानी लोन के पैसों पे ऐश करें। देखिए जनाब तमीज से बात कीजिए, हमारा लखनऊ में बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस क्या, छोटा मोटा धंधा करते होगे कोई?
चाय पान का। आपको कैसे पता? इतने कम परसेंटेज पर हम आपको लोन नहीं दे सकते। जनाब जनाब सुनिए सुनिए। देखिए जनाब कुछ कीजिए ना, कुछ हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन आपको ना कुछ हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। जी जी पूछिए। आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है क्या? कोई बंगला या गाड़ी जो आपके नाम हो? आपके बैंक में 2 करोड़ का बैलेंस है? मामी है, अगर बैंक में 2 करोड़ रुपए होता तो हम लोन क्यों लेते? अरे तो जब तुम्हारे पास इन सब में से कुछ है ही नहीं, तुमको लोन नहीं मिल सकता। फिर रख दो फोन, रखो। बदतमीज आदमी है, बात करते करते फोन काट दिया। मुंह पे काट दिया मियां मुंह। बिट्टू मियां, बिट्टू। अरे अबे पैर छोड़ो भाई जी, बता दे रहे हैं हमारे बड़ी जोर बाथरूम लगी है। वैसे भी तुम लोगों की बात सुनने के चक्कर में हम बड़ी देर से रोके। पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। यही कर लो बिट्टू भैया, कुछ कीजिए ना हमारी। इन लोगों से थोड़ा और पत्ते चाटी करा ली कि गाड़ी दिलाईबे इनका चलाईबे हम, बस देखा जाओ। अच्छा रुको, कुछ सोचे दो। पैर छोड़ो पहले, फटाक से पैर छोड़ो। ऐसा है, तुम लोगों का बजट कितना है? 50,000। पूरे 50,000? पूरे 50,000? अबे तो कार का है ले रहे हो, ट्रेन खरीदो ना। शरम नहीं आ रही 50,000 में कार ढूंढे निकल पड़ो? 50,000 में अच्छी स्कूटी नहीं मिल रही, इनका कार चाहिए। एक चीज फ्री में सलाह दी तुमका, जैसे घर में बिजली का बिल आधा आधा करे हो, हवेली आधी आधी करे हो, एक बार हमारे कहे से दोनों लोग पैसा मिला के एक कार ले लो, आधी आधी बांट लो। एक ठीक है। अबे पप्पू जा मोबाइल लाओ। हेलो, अरे सज्जन भाई, हम कह रहे हैं ये बताओ, 1 लाख तक की कोई बढ़िया ओरिजिनल पेंट की गाड़ी खड़ी है? तो हमारे 2 भाई आ रहे हैं, इनको कोई बढ़िया झमाझम गाड़ी दे देना। ठीक मेरे भाई। ए अच्छे से सफाई कर, तभी तो कोई लेगा ना अपनी कार। नमस्कार भाई साहब, कौन सी कार लेंगे आप? भाई साहब हाँ, आपने हमें पहचाना नहीं। अरे आपके दोस्त नहीं तो हमें भेजा है। कौन से दोस्त ने? आम मीठे हैं, आम लंगड़ा है। हाँ मियाँ लंगड़ा भी है, क्या बात है मियाँ, बहुत फर्क है आपको आमों की। देखिए सब लंगड़ा है। हाँ तो आम दो और गाड़ी की चाबी लो। हाँ लो लो। मियाँ पेमेंट? अरे पेमेंट की आप टेंशन का ले रहो, वो हम दुकान से ले लेंगे नेक्स्ट वीक। अरे मिर्जा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ब्याज के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे 1 हफ्ते के। ठीक है मियाँ लीजिए। ले ले जल्दी ये लीजिए। हाँ ये मिला, ये मिला। सुनिए सुनिए मियाँ, ये वाली है। ले मछली जल्दी, चलो चलो मिर्जा बैठो चलो। ए गाड़ी के ऊपर से साइन बोर्ड हटाओ। कमाल है। आम मीठे हैं, हमने तो नीले रंग की कार मांगी थी। हमने तो लाल रंग की कार मांगी थी, पता नहीं ये क्या उठा लाए।